नेहा, होश में तो हो? तो मेरे साथ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या तरीका है? हाथ छोड़े ना। हाथ छोड़ने के लिए से नहीं पकड़ा था मैंने तुम्हें। मुंह से बात होती है, हाथ से नहीं। ये हमारा पर्सनल मैटर है, सो नॉट इंटरफेयर। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज हाथ छोड़ें। पर क्यों नहीं करनी? नहीं का मतलब नहीं होता, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नेहा, it's important, come with me। नहीं, हाथ छोड़े ना। अलसी वाला, सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, जरा गुस्सा आ गया। सारम, आप प्लीज मेरी। नो नो, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। आप तो रहो अपने बेस्ट बड़ी के साथ। सारम, क्यों बदतमीजी की तुमने? वो क्यों जबरदस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ? तो मैं देख लेती ना। मैं नहीं देख सकता, ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। मम्मी तो अब्बा हमारा मुंह तोड़ेंगे घर जाकर। घर चलो। क्यों, वो असाइनमेंट नहीं देनी उस मैम को? आज की तारीख में ना कुछ नहीं हो सकता, वो जाके शिकायत लगा देगा अब्बा को। सर तो घर पर है। वो सबसे पहले अब्बा के ऑफिस जाके चेक करेगा और फिर सीधा घर जाएगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता है फिलहाल, अभी प्लीज घर चलो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं चलो। तुम इस हद तक बढ़ जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। सॉरी सर, मैं क्या सॉरी सर, तुम भूल गए इसका क्या रिश्ता है नेहा के साथ? अब्बा, आदम का कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। आदम बेटा, वैसे तुमने ज्यादती की है। कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है, जो अपनी सगी औलाद को इग्नोर करके इसे सर पर बिठाता रहा, अंधा एतबार किया इस पे, इसकी आंखों से देखता रहा और कानों से सुनता रहा। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, अपनी सगी औलाद के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस देकर कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए थी ना मुझे। मिल गई, मिल गई। अंकल आप प्लीज इससे बोल देंगे ये यहां से दूर रहे। वाह, एक दफा आदम से पूछे तो उसने ऐसा किया क्यों? मैंने तुमसे कभी पूछा इसकी शिकायतों पर कि तुमने ये क्यों किया? आदम बेटा, तुम अपने घर जाओ प्लीज। से अब बात मुख्तलिफ है, माहा की ससुराल का मामला है। ये भी सोचना चाहिए था ना इसे। I'm sorry, अब्बा। पहले आदम की शिकायतों पर सफाई का मौका दिए बगैर आप मुझे झाड़ देते थे, उस वक्त भी गलत करते थे आप, और आज आदम की बात सुने बगैर आपने उसे गुनाहगार करार दे दिया। आज भी गलत किया आपने। सॉरी सारम, जो यूनिवर्सिटी में हुआ मैं इन दोनों बेवकूफों की तरफ से एक्सक्यूज करता हूं। बात एक्सक्यूज की नहीं अंकल, बेहतर होगा कि आप एक बार और गौर कर लें इस चीज पर। क्या आपने कहीं नेहा के साथ जबरदस्ती तो नहीं की ये रिश्ता जोड़कर? मैं चलता हूं। बैठे, मैं पानी लाती हूँ।